अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। कंस्ट्रक्शन और डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर BOQ किसे कहते हैं। BOQ एब्रीविएशन है बिल ऑफ क्वांटिटीज का। साइट के ऊपर जो भी मटेरियल यूज़ होने होते हैं, जितने भी मटेरियल साइट कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल सरिया है, सीमेंट है, बजरी है, स्टील है, पाइप है, और कोई इक्विपमेंट है, कोई AC वगैरह है, IT का इक्विपमेंट है, स्पीकर्स हैं, कोई भी A to Z जितना भी मटेरियल साइट पे यूज़ होना होता है, उन मटेरियल को पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं। उसके बाद दूसरा ये होता है कि उन मटेरियल की क्वांटिटीज़ निकाली जाती हैं। QS होते हैं, क्वांटिटी सर्वे जिनको कहते हैं, वो इनकी क्वांटिटीज़ निकालते हैं। दो काम हो गए। और तीसरे नंबर पे ये होता है कि इन मटेरियल के यूनिट रेट मार्केट से लिए जाते हैं। जो प्रोक्योरमेंट वाले होते हैं, जो कमर्शल वाले होते हैं, वो इनके मार्केट से रेट लेते हैं कि यूनिट रेट क्या है। और सबसे एंड के ऊपर क्या होता है कि यूनिट रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करके इनका बिल बना दिया जाता है कि कितना बिल इसका बनेगा साइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर सीमेंट है तो कौन सा सीमेंट है पहले कॉलम में वो लिखा जाएगा, दूसरे कॉलम में उसकी जो क्वांटिटी सर्वेयर ने निकाली हुई होती है वो लिखी जाती है, तीसरे कॉलम के अंदर वो सीमेंट का यूनिट रेट है वो कितना है वो लिखा जाता है, और एंड वाले कॉलम पे उसका टोटल बिल बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सीमेंट ABC सीमेंट है, वो पहले कॉलम में ABC सीमेंट लिखा जाएगा, दूसरे कॉलम में अगर 1000 पैकेट यूज़ होने हैं साइट के ऊपर तो 1000 पैकेट लिखे जाएंगे, तीसरे कॉलम के अंदर जो फॉर एग्जांपल उसका यूनिट रेट 50 dirham है तो वो 50 dirham लिखा जाएंगे, और चौथे कॉलम एंड वाले कॉलम में क्या लिखा जाएगा 50 × 1000 राइट। तो ये इस तरह से एक मटेरियल की क्वांटिटी निकल आई। इस तरह से दूसरा फॉर एग्जांपल स्टील है तो स्टील का नाम लिखा जाएगा, उसके कितनी क्वांटिटीज़ हैं, कितने मीटर्स चाहिए वो, और उसका यूनिट रेट और इसकी जो टोटल प्राइस बनती है। इसी तरह कुछ स्विच बोर्ड है तो उसका स्विच बोर्ड का नाम, उसकी क्वांटिटी, उसका यूनिट रेट और उसका एंड के ऊपर कितना बिल है। कोई AC है, AC का नाम, AC की क्वान्टिटीज़, और इस तरह से लैंडस्केपिंग का कोई मटेरियल है, इसी तरह से कोई प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का, आर्किटेक्चर का कोई ब्लॉक यूज़ होने, A to Z कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जितना भी मटेरियल यूज होता है उन सब की इसी तरह से बिलिंग की जाती है वो सारी की सारी, और इसको एक फॉर्मेट के ऊपर लिखा जाता है जिस इसी फॉर्मेट को कहते हैं बिल ऑफ क्वांटिटीज, या शॉर्ट फॉर्म में उसको कह देते हैं BOQ। अब ये BOQ बनाता कौन है? अगर तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लमसम बेसिस पे दे दिया है, फॉर एग्जांपल कंसल्टेंट ने एक डिज़ाइन बना दिया है, क्लाइंट से अप्रूव करवा लिया है और एक लमसम प्राइस उसको दे दी है जो कॉन्ट्रैक्टर है कि ये एक लमसम प्राइस है, इसके अंदर हमें ये वाला डिज़ाइन बना के दें, तो ऐसी सूरत में तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सारी क्वान्टिटीज़ भी निकालता है, उसके रेट्स भी लेता है और BOQ भी बनाता है। लेकिन मोस्टली केसेस में, अक्सर केसेस में ये होता है कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता, एक स्पेसिफाइड प्राइस होती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो जो BOQ है वो कंसल्टेंट या डिज़ाइनर ख़ुद बनाते हैं, BOQ उन्हीं की तरफ से होता है और कॉन्ट्रैक्टर को उसी BOQ को फॉलो करते हुए काम साइट पे करवाना पड़ता है। तो ये BOQ होता है। अब दूसरी बात ये है कि जो भी मटेरियल होता है, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट है, कोई स्विच बोर्ड है, कोई AC है, तो हर एक आइटम का एक स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर होता है, उस रेफरेंस नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसी को लेके कोई कम्युनिकेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल सीमेंट साइट पे लेके आए, उसने अच्छा काम नहीं किया, वो सीमेंट काम सही नहीं कर रहा, अब जब कॉन्ट्रैक्टर कोई भी ईमेल या लेटर लिखेगा तो वो उस सीमेंट का रेफरेंस नंबर, फॉर एग्जांपल ABC 123 और जो भी वो रेफरेंस नंबर होता है, उस रेफरेंस नंबर को कोट करते हुए लिखेगा कि विद रेफरेंस टू दिस सीमेंट इज नॉट वर्किंग एज पर स्पेसिफिकेशन, सो वी नीड योर कंसिडरेशन टू चेंज और वट एवर डील। ये लेटर राइटिंग का एक अलग से इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा और पूरा आपको सिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं। तो इस तरह से एक एक मटेरियल का एक अलग से BOQ रेफरेंस होता है जिसको यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन की जाती है। BOQ से अगर कोई अमाउंट ऊपर नीचे हो जाए तो उसको वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन की अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, आपको डिटेल के अंदर बता दूंगा।
अगर बी ओ क्यू प्राइस से ऊपर प्राइस हो जाए तो उसको पॉजिटिव वेरिएशन कहते हैं, और अगर बी ओ क्यू प्राइस से नीचे हो जाए तो उसको नेगेटिव वेरिएशन कहते हैं। तो ये थी बी ओ क्यू के मतलब आज की डिटेल। होपफुली आपको वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।